हेलो बच्चों, माय नेम इज अजीत कुमार और एके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड यूनिट गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और आज गॉस लॉ का 7वां लेक्चर हम लोग करने जा रहे हैं। ओके, तो जो लोग अभी तक गॉस लॉ का इसके पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो जाइए यूट्यूब चैनल पे और वहां जाकर गॉस लॉ का Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, Part 5 and Part 6 पहले वीडियो जाकर देखें, तब आप Part 7 पर आप लोग जम करें। ओके, स्किप करके आप यहाँ पे इस वीडियो को देखोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो अच्छी तरीके से समझने के लिए पहले आप Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, Part 5 और Part 6 जाकर पहले अच्छी तरीके से देखें, नोट्स तैयार करें, तब आप इस वीडियो पर जम करें। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ ही पढ़ने वाले हैं और एक नए एप्लीकेशंस के साथ हम लोग आज इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोग गॉस लॉ के थर्ड एप्लीकेशंस पे बात किए थे, अभी तक क्या क्या एप्लीकेशन हो चुका है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन गॉस लॉ का हमने देखा था, किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना, ये मेरा पहला एप्लीकेशन था। दूसरा एप्लीकेशन हमने पढ़ा था, इनफिनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर के कारण से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना। और थर्ड एप्लीकेशन जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने बनाया था, वो एप्लीकेशन हमारा थर्ड एप्लीकेशन था, इनफिनाइटली लॉन्ग चार्ज रेक्टेंगुलर थीन सीट के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। ओके, आज हम अपने चौथे एप्लीकेशंस के साथ आ रहे और इस एप्लीकेशंस में हम लोग थर्ड एप्लीकेशंस का ही थोड़ा सा एडवांस स्कोप देखेंगे। यानी चौथा एप्लीकेशन कुछ नया नहीं है, थर्ड एप्लीकेशंस के ऊपर ही बेस्ड है। थर्ड एप्लीकेशंस क्या था, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड रेक्टेंगुलर थीन सीट के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना। ओके, चौथा जो एप्लीकेशन हमारा है इसी थर्ड एप्लीकेशंस के ऊपर ही बेस्ड है, थोड़ा सा एडवांस है। हम लोग चौथे एप्लीकेशंस में थर्ड एप्लीकेशंस के रिजल्ट्स को यूज करते हुए गॉस लॉ के हेल्प से हम लोग किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा चौथा एप्लीकेशंस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज, और चौथे एप्लीकेशंस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो चौथे एप्लीकेशंस में पढ़ने वाले हैं कि दो अपोजिट चार्ज्ड के प्लेट्स, दो अपोजिट चार्ज्ड के रेक्टेंगुलर थीन सीट को पैरेलल एक दूसरे से बहुत ही कम डिस्टेंस पे रखेंगे और उनके बीच किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे और उनके बाहर भी किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। फिर से आज के एप्लीकेशंस में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, तो आज के एप्लीकेशंस में हम लोग थर्ड एप्लीकेशंस का ही थोड़ा सा एडवांस रूप हम लोग देखने वाले, एडवांस फॉर्म देखने वाले जो हमारे सिलेबस में रखा गया है और डायरेक्टली इस पर हमारे सिलेबस में न्यूमेरिकल्स कई बार IIT, JEE, NEET और कई बार बोर्ड एग्जाम्स के अंदर ऐसे न्यूमेरिकल्स इसी एप्लीकेशंस के ऊपर डायरेक्ट पूछे गए, तो आज हम इस एप्लीकेशंस को करेंगे। ओके, फिर से एक बार रिपीट कर देना चाहते हैं, कौन सा एप्लीकेशन आज हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग आज पढ़ेंगे दो पैरेलल चार्ज्ड रेक्टेंगुलर सीट्स जिन पर अपोजिट चार्जेस होंगे, एक रेक्टेंगुलर थीन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होगा और एक रेक्टेंगुलर सीट्स के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होगा, और दोनों को कैसे रखा जाएगा, तो दोनों को पैरेलल एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस पर गैप में रखा जाएगा और दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे और दोनों पैरेलल प्लेट्स के बाहर भी हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो आए हम लोग चौथे एप्लीकेशंस को यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग फोर्थ एप्लीकेशन स्टार्ट करने वाले हैं जो थर्ड एप्लीकेशंस के ऊपर ही है और हम लोग इस हेडिंग को यहां पर लगा लेते हैं, तो स्पेस कम है बोर्ड के ऊपर, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को हम रफ कर देते हैं और जो एप्लीकेशंस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फोर्थ एप्लीकेशंस, उसको यहां पर हेडिंग लगा लेते हैं। ओके, चलो, तो टू कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ
to calculate intensity of electric field at a point due to two parallel opposite charged due to two parallel opposite charged rectangular seat. ये हमारा एप्लीकेशन है और आज हम इस एप्लीकेशन को गॉस लॉ के हेल्प से स्टडी करेंगे और इसके अंदर थर्ड एप्लीकेशन थिन रेक्टेंगुलर सीट्स वाले एप्लीकेशन के रिजल्ट को यूज करके इसके डेरिवेशन को हम लोग स्टडी करेंगे. ओके, तो टू कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू टू पैरेलल अपोजिट चार्ज इनफिनाइटली लॉन्ग रेक्टेंगुलर सीट इनफिनाइटली लॉन्ग रेक्टेंगुलर सीट. तो आज हम लोग ये एप्लीकेशंस करने वाले हैं. इस एप्लीकेशंस में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को किसी पॉइंट के ऊपर हम लोग फाइंड आउट करेंगे किसके कारण से, तो दो अपोजिट चार्ज्ड वाले इनफिनाइटली लॉन्ग पैरेलल रेक्टेंगुलर सीट्स के कारण हम उसके बीच में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे और उनके बाहर दोनों साइड लेफ्ट साइड एंड राइट साइड एक एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो ये हमारा इंग्लिश हेडिंग हो गया, टू कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू टू पैरेलल अपोजिट चार्ज्ड इनफिनिटली लॉन्ग रेक्टेंगुलर सीट. ओके, आप लोग हिंदी में इस हेडिंग को लिख ले, हम बोल करके लिखवा देते हैं क्योंकि बोर्ड पर स्पेस नहीं है. ओके, तो हिंदी में हेडिंग लगा ले, किसी अनंत विस्तारित आवेशित दो समानांतरीय आयताकार प्लेट के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना. ओके, आई थिंक आपने हिंदी हेडिंग लिख लिया होगा. ओके, तो हम लोग इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं. लेट अस स्टार्ट दिस एप्लीकेशन. ओके, तो आप जानते हो कि हम लोग सबसे पहले लैंग्वेज लिखते हैं. ओके, और लैंग्वेज को बाद में हम लोग डायग्राम से शो करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज की ओर चलते हैं. तो चलो थोड़ा लैंग्वेज हो जाए. तो लेट अस कंसीडर Let us consider two parallel opposite charged infinitely long rectangular seat, infinitely long rectangular seat taken three points A, B, and C at center
at placed between center of two parallel plates and placed at left and right side of rectangular seats at which intensity of electric field is found. Okay, let us consider two parallel opposite charged infinitely long rectangular seats taken three points A, B and C and placed between center of two parallel plates and placed at left and right side of rectangular seats at which intensity of electric field is find. Okay, Hindi mein bhi heading, Hindi mein bhi is cheez ko hum likh dete hain. Okay, chale. Mana ki do anant vistarit aveshit आयताकार प्लेट लिया गया है तथा तीन बिंदु ए बी तथा सी लिया गया है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है ओके, अब इस चीज को हम लोग डायग्राम से शो करेंगे. ओके, तो पहले अच्छी तरीके से वीडियो को पॉज करके नोट्स, अपने नोट्स में इस चीज को आप नोट कर लो. ओके, देन हम आगे इनको, इस लैंग्वेज को हम लोग डायग्राम के थ्रू शो करेंगे और बाकी के स्टेप्स आगे फॉलो करेंगे. ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. ओके, इस हेडिंग को भी मिटा देते हैं. तो स्पेस मिल जाएगा बोर्ड के ऊपर. चल, चल. ओके, तो सबसे पहले जो लैंग्वेज हमने लिखा है, इस लैंग्वेज को डायग्राम से हम लोग शो करते हैं, डायग्राम में शो करते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम लोग दो पैरेलल प्लेट्स लेंगे. क्या लेंगे? दो पैरेलल प्लेट्स. सबसे पहले हम लोग दो पैरेलल प्लेट्स लेंगे. अब देखो, दो पैरेलल प्लेट्स कैसे रखे होंगे? तो दो पैरेलल प्लेट्स ऐसे रखे होंगे कुछ डिस्टेंस पे. यानी दो पैरेलल प्लेट्स बोर्ड के ऊपर ऐसे होंगे, आपके कॉपी पर ऐसे आप प्लेस करोगे. दोनों प्लेट्स बोर्ड के अलोंग परपेंडिकुलर होना चाहिए और आपस में पैरेलल होना चाहिए, कुछ डिस्टेंस पे होना चाहिए, इनमें कुछ गैप होना चाहिए. ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, गैप थोड़ा कम होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि सफिशियंट हम लोग इस चीज़ को अच्छे से विजुलाइज कर सके. ओके, तो दो इस प्रकार से हम पैरेलल प्लेट्स बोर्ड के ऊपर कंसिडर करेंगे. ओके, चले.
तो कैसे बनाएंगे? तो चलो इसको, दो पैरेलल प्लेट्स को इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ओके सर, ये तो क्यूब बन गया, पैरेलल प्लेट्स काम बना, अब बन जाएगा। देखो थोड़ा जुगाड़ लगा देते हैं। ओके, तो इस प्रकार से दो पैरेलल प्लेट्स हो गए। क्या मिल गया? दो पैरेलल प्लेट्स मिल गया। ओके, दो पैरेलल प्लेट्स मिल गया। ओके, तो हमने दो पैरेलल प्लेट्स को कुछ डिस्टेंस पे, मान लेते हैं स्मॉल डी डिस्टेंस पे, दोनों पैरेलल प्लेट्स को रखा गया है। और दोनों पैरेलल प्लेट्स कैसे रखे गए हैं? ऐसे रखे गए हैं दोनों पैरेलल प्लेट्स। ओके, एक दूसरे के पैरेलल और बोर्ड के अलोंग परपेंडिकुलर। अब दोनों पे कैसा चार्ज होना चाहिए? तो दोनों पे अपोजिट नेचर का चार्ज होना चाहिए। अगर एक प्लेट पे पॉजिटिवली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो दूसरे प्लेट पर नेगेटिवली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट चार्जेस बोला जा रहा है, ना कि सेम चार्जेस। तो मान लेते हैं कि इस पर पॉजिटिवली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और इस पर मान लेते हैं कि नेगेटिवली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो सबसे पहले हम इस पर पॉजिटिवली चार्ज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? पॉजिटिवली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर हो रहा है। और इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है? सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिग्मा का यूज करते हैं। क्योंकि पॉजिटिवली सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसलिए प्लस सिग्मा यहां यूज कर लेते हैं। और इस पर नेगेटिवली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो इस पर माइनस सिग्मा कंसिडर कर लेते हैं। ओके, और ये दोनों पैरेलल प्लेट्स को कुछ डिस्टेंस डी के अलोंग इनको प्लेस किया गया है। ओके, अब हमें तीन पॉइंट्स लेना है, ए बी सी। और तीनों पॉइंट्स कहां पे लेना है? तो एक पॉइंट्स इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के सेंटर पर लेना है, बीच में। तो ये पॉइंट्स को हम ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इस पॉइंट्स को हम ए मान लेते हैं। और बाकी बी और सी दो प्लेट्स जो हैं, दो पॉइंट्स जो हैं, एक पॉइंट्स को इन दो प्लेट्स के लेफ्ट साइड बाहर की ओर, तो मान लेते हैं लेफ्ट साइड ये है बाहर की ओर बी, और राइट साइड में सी ले लेते हैं यहां पर, और ये पॉइंट सी हो गया। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि तीन पॉइंट्स जो हमारा था जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है ए बी सी, वो कहां कहां लिया गया है? तो एक पॉइंट दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में लिया गया है और बाकी के दो पॉइंट्स पैरेलल प्लेट्स के बाहर, एक लेफ्ट साइड में रखा गया है और एक राइट साइड में रखा गया है। हम तीनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को बारी बारी से कैलकुलेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ एंड बाय द हेल्प ऑफ अप्लाइंग एप्लीकेशन नंबर थर्ड। एप्लीकेशन नंबर थर्ड एक प्लेट के कारण से हम लोग देखे थे, आज दो प्लेट के कारण से हम लोग देख रहे हैं। तो दो प्लेट वाले एप्लीकेशंस में हम लोग एक प्लेट वाले एप्लीकेशंस का कॉन्सेप्ट यूज करके इसको आसानी से हम लोग इनके डेरिवेशन को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो आज हम क्या करेंगे? देखो दो तरीका है इनके डेरिवेशन को करने का, दो तरीका है कि बाकी जैसे तीन एप्लीकेशंस में छह स्टेप वन बाय वन अप्लाई करके हमने आगे के कॉन्सेप्ट को देखा था, हम इसके अंदर भी छह स्टेप्स यूज करेंगे, पर वो काफी लंबा हो जाएगा क्योंकि ये एप्लीकेशन थर्ड एप्लीकेशंस का थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म है। इसलिए हम इस एप्लीकेशंस में डायरेक्ट थर्ड एप्लीकेशंस, मतलब एक रेक्टेंगुलर थिन सीट वाले एप्लीकेशंस का यूज करके इसको जल्दी और
कम समय में हम लोग इसको डिराइव कर लेंगे, इसके डेरिवेशंस को हम लोग इतने लॉन्ग प्रोसीजर में नहीं जाएंगे कि पहले हम लोग पहला स्टेप लगाएंगे, पहला स्टेप में क्या होता है, ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस को किस प्रकार से ड्रॉ करना चाहिए, तो दो कंडीशंस हैं, गॉसियन सरफेस को उस पॉइंट से होकर पास करना चाहिए जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, दूसरी बात गॉसियन सरफेस को इस प्रकार से ड्रॉ करना चाहिए कि वो चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट सिमेट्रिक हो, दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, तो दूसरे स्टेप में गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को शो करते हैं, तीसरे स्टेप में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस यानी गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना टोटल पास हो रहा है वो कैलकुलेट करते हैं, चौथा स्टेप हमारा चौथे स्टेप में हम लोग टोटल इनसाइड चार्ज कैलकुलेट करते हैं, पांचवें स्टेप्स में हम लोग गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं और छठे स्टेप में हमारा आंसर आ जाता है। आज इस एप्लीकेशन में हम इतना नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसके अंदर थर्ड एप्लीकेशंस के कॉन्सेप्ट को यूज करके और फटाफट हम इनके डेरिवेशंस को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब ये तीन पॉइंट्स है, हमें तीनों पॉइंट्स पर बारी बारी से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो अब ध्यान से देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। आज हम छह वो स्टेप्स को यहां पर यूज नहीं करके हम थर्ड लॉ के एप्लीकेशंस को गॉस लॉ के थर्ड एप्लीकेशंस के रिजल्ट को यूज करके इस एप्लीकेशंस को हम लोग आसानी से इसको कर सकते हैं जल्दी और आसानी से। ओके, तो अगर हम इस सी पॉइंट्स की बात करें तो इस सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके किसके कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आएगा, तो एक तो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E1 मान लेते हैं, तो E1 वेक्टर इधर होगा। क्यों होगा E1 वेक्टर? क्योंकि E1 वेक्टर का डायरेक्शन इस पर कैसे इधर आया, राइट डायरेक्शंस में कैसे आया, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टुवर्ड्स बाहर की ओर निकलते हैं, परपेंडिकुलर टुवर्ड्स बाहर की ओर, तो इससे जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर टुवर्ड्स आउटसाइड निकलेगा, तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के कारण सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E1 राइट साइड की ओर होगा और निगेटिवली चार्ज प्लेट के कारण सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शंस होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट साइड होगा। क्या होगा? अपोजिट साइड होगा E2 वेक्टर। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, E1 वेक्टर का डायरेक्शन पॉजिटिवली चार्ज के कारण से राइट साइड परपेंडिकुलर आउटसाइड और निगेटिवली चार्ज प्लेट के कारण से सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनसाइड। पॉजिटिवली चार्ज के कारण परपेंडिकुलर आउटसाइड और निगेटिवली चार्ज के कारण से परपेंडिकुलर इनसाइड। ओके, अब इस पॉइंट पर बात कर लेते हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के कारण से परपेंडिकुलर बाहर की ओर E1 वेक्टर और निगेटिवली चार्ज प्लेट के कारण परपेंडिकुलर इनसाइड यानी E2 वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो गया। ओके, अब इस पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के कारण इधर E1 वेक्टर, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के कारण E1 वेक्टर का डायरेक्शन पॉइंट ए पर परपेंडिकुलर आउटसाइड और निगेटिवली चार्ज प्लेट के कारण से ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर इनसाइड होगा, तो इस पर भी परपेंडिकुलर इनसाइड, यानी यहां पर E1 और इस पॉइंट ए पर E1 और E2 के डायरेक्शन सेम होंगे और बी पॉइंट और सी पॉइंट पर E1 और E2 के डायरेक्शन अपोजिट होंगे। ओके, एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं। पहले हम लोग सी पॉइंट पर स्टार्ट किए, तो सी पॉइंट पर पॉजिटिव प्लेट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटसाइड E1 वेक्टर, सी पॉइंट पर निगेटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनसाइड। ओके, अब देख लेते हैं बी पॉइंट पर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटसाइड और बी पॉइंट पर निगेटिवली चार्ज प्लेट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनसाइड, तो E2 वेक्टर का डायरेक्शन इनसाइड नेगेटिव प्लेट की ओर। ओके, अब ए पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करना चाहें तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के कारण से ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटसाइड
तो E1 वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटसाइड हो गया, और निगेटिवली चार्ज प्लेट के कारण से ए पॉइंट पर, निगेटिवली चार्ज प्लेट के कारण से ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनसाइड, परपेंडिकुलर इनसाइड। तो ए पॉइंट पर E1 वेक्टर और E2 वेक्टर का डायरेक्शन सेम आ गया, जबकि बी पॉइंट और सी पॉइंट पर E1 वेक्टर और E2 वेक्टर के डायरेक्शंस अपोजिट हो गए। ओके, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, हाँ या ना? यस, आपको ये चीज समझ में आ गया। देन हम लोग आगे मूव करते हैं। ओके चल, तो बारी बारी से हम लोग ए बी और सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे, और लास्ट में हम लोग सारे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे, वही हमारा इस डेरिवेशंस का रिजल्ट होगा। ओके, तो अगर हम यहाँ देखना चाहें तो हम लोग यूज कर सकते हैं किसका कॉन्सेप्ट, हम लोग यूज कर सकते हैं, तो हम यूज कर सकते हैं by using the formula of intensity of electric field due to infinitely long charged rectangular thin sheet। हम थर्ड एप्लीकेशंस को यहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग चार्ज रेक्टेंगुलर थिन सीट। हम लोग इसके अंदर, जैसा कि इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि इस लेक्चर के अंदर हम लोग ट्रेडिशनल 6 स्टेप्स का यूज ना करके आसान तरीका और आसानी से बनने के लिए कम समय में इनको स्टडी करने के लिए हमने क्या किया कि इसके प्रीवियस जो हमने एप्लीकेशंस पढ़ा था इन्फिनाइटली लॉन्ग रेक्टेंगुलर चार्ज थिन सीट में जो हमने रिजल्ट देखा था उसी रिजल्ट का हेल्प लेकर के इस एप्लीकेशंस को हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज रेक्टेंगुलर थिन सीट, तो याद करो कि इसका फॉर्मूला क्या था, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया था, बताएं क्या आया था, हाँ ये आया था सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आया था? सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो आया था ना, यही तो आया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज रेक्टेंगुलर थिन सीट। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया था? सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्या आया था? सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये एक प्लेट के कारण से आया था। ओके, तो यहां पर E1 और E2 वेक्टर भी क्या होंगे, तो यहां पर E1 वेक्टर भी हमारा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, और E2 वेक्टर भी हमारा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। कैसे सर? तो इस पर हम बारी बारी से सेपरेट एक एक प्लेट के, इंडिविजुअल प्लेट के बारे में सोचेंगे। पहले हम लोग पॉजिटिव प्लेट के बारे में सोचे, तो पॉजिटिव प्लेट के कारण से E1 वेक्टर का जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, और हमारा निगेटिव प्लेट चार्ज प्लेट के कारण से भी E2 वेक्टर हमारा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। सर यहाँ पर डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये पॉइंट कहीं भी होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी वाले फॉर्मूला में देख सकते हैं कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ना आर पे डिपेंड कर रहा है, ना कोई डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ना एरिया पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए ये पॉइंट को आप बी पॉइंट को यहाँ रखो, या बी पॉइंट को यहाँ रखो, ए पॉइंट को यहाँ रखो, या ए पॉइंट को यहाँ रखो, सी पॉइंट को यहाँ रखो, या सी पॉइंट को यहाँ रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। E1 वैक्टर और E2 वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड होंगे वो हमारा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, और E2 वेक्टर भी सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। यानी E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा सेम आएगा, और सेम कितना आएगा? 2 बटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से आया? तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक प्लेट के कारण से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हमने कैलकुलेट किया था सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी चीज का यूज करके, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज
रेक्टेंगुलर थिन सीट, इसका रिजल्ट हम लोग यूज करके इस डेरिवेशंस को कंप्लीट करेंगे. ओके, अब तुम देख सकते हो बारी बारी से ए बी सी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे. तो यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए. सबसे पहले हम ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को देखेंगे. तो ए पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, देखो वेक्टर क्वांटिटी है, ई वन वैक्टर और ई टू वैक्टर वो था वैक्टर क्वांटिटी, दोनों वैक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन हमारा सेम है तो डायरेक्ट ये जुड़ जाएंगे. तो ई वन वैक्टर प्लस ई टू वैक्टर, ई वन वैक्टर कितना है तो सिग्मा बटा टू एप्सिलॉन नॉट, प्लस ई टू वैक्टर कितना है तो सिग्मा बटा टू एप्सिलॉन नॉट. ओके, इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले आप इस स्क्रीन पे जो भी है बोर्ड पे वो आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से नोट कर ले, हम इस चीज को मिटाने वाले हैं. ओके, तो यहां पर इस चीज को हम मिटा रहे हैं, इस लैंग्वेज को. ओके, चलो. ओके, तो हमारा ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, सिग्मा वटा टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा वटा टू एप्सिलॉन नॉट, टू एप्सिलॉन नॉट हमारा एलसीएम आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, तो आ गया टू सिग्मा बटा टू एप्सिलॉन नॉट. यहाँ से टू से टू कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमारा क्या आ गया, तो सिग्मा वटा एप्सिलॉन नॉट आ गया. क्या आ गया, सिग्मा वटा एप्सिलॉन नॉट आ गया, सिग्मा वटा एप्सिलॉन नॉट आ गया. अब हम बी पॉइंट पर इसी प्रकार से निकालेंगे और सी पॉइंट पर इसी प्रकार से निकालेंगे. ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन. ओके, ओके, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट बी बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे. तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा देख लो आप लोग. बी पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शंस में हैं, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं और हमने ये वेक्टर के अंदर पढ़ा है कि दो वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे तो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट जो वेक्टर आएंगे वो दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. तो यहां से ई वन वैक्टर माइनस ई टू वैक्टर हो जाएगा. ई वन वैक्टर क्या है, सिग्मा बटा टू एप्सिलॉन नॉट, माइनस ई टू वैक्टर भी क्या है, सिग्मा बटा टू एप्सिलॉन नॉट. तो यहां से सिग्मा बटा टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बटा टू एप्सिलॉन नॉट ये जीरो हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे. तो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमारा जीरो हो गया. उसी प्रकार से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट सी. तो सी पॉइंट पर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, यहां भी तुम देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सी पॉइंट पर क्या हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सी पॉइंट पर यहां भी आप देख सकते हो कि दोनों वैक्टर क्वांटिटी है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां भी ई वन वैक्टर माइनस ई टू वैक्टर होंगे और यहां भी जब ई वन वैक्टर और ई टू वैक्टर को रखेंगे तो यहां भी रिजल्ट हमारा जीरो ही मिलेगा. रिजल्ट हमारा जीरो ही मिला. इसका मतलब कि जब भी दो अपोजिट चार्ज पैरेलल रेक्टेंगुलर थिन सिल्ट होंगे तो उनके बीच ही केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, उनके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी नहीं होंगे. ये कॉमन सेंस की भी बात है कि एक पॉजिटिव प्लेट है दूसरा नेगेटिव प्लेट है, दोनों प्लेट एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर होगा, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर होगा, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर होगा, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस, बाहर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। जब बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो बाहर जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए बी पॉइंट और सी पॉइंट चूंकि दोनों पॉइंट इस दो पैरेलल प्लेट के बाहर थे, इसलिए बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने के कारण से बी पॉइंट और सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो आ गया। तो केवल और केवल दोनों पैरेलल प्लेट के बीच ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, और वो कितना होंगे, तो वो कितना आया था, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितना आया था, तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इतना आया था। तो दो पैरेलल प्लेट के कारण टोटल रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट आएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, इसको हम लोग आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो यहां से लिखेंगे कि टोटल रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ER बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फाइनल डेरिवेशन, ये हमारा फाइनल डेरिवेशन है। ओके, तो एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितना आया था प्रीवियस एप्लीकेशन में, सिग्मा वटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दो प्लेट्स के कारण, दो पैरेलल प्लेट्स के कारण उसके सेंटर पर, उनके बीच किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या आ गया, सिग्मा वटा एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट के कारण सिग्मा वटा 2 एप्सिलॉन नॉट, और दो पैरेलल प्लेट के कारण सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेशन ऑफ दिस एप्लीकेशंस। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आज का लेक्चर में इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मोस्ट BVI एप्लीकेशंस, गॉस लॉ के एप्लीकेशंस के साथ। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। थैंक यू।